अस्सलाम वालेकुम बच्चों न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक थ्री इसका यूनिट टू द वुडन बाउल इसकी हमने रीडिंग और ट्रांसलेशन कर ली थी अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स वेयर डिड द फैमिली लिव इसका आंसर आपको फर्स्ट पैराग्राफ पेज फोर्टीन पे मिल जाएगा लेकिन मैं आपको बताती हूँ दे लिव इन एन ओल्ड एंड स्मॉल House at the end of a quiet street in the middle of the town. What did Manfred do for a living? He made furniture for the people and did some carving for a living. Furniture is spelling F-U-R-N-I-T-U-R-E. Who was Thekla? Thekla was a daughter in law of Kurt. वाइफ ऑफ मैनफ्रेड एंड मदर ऑफ विलहम लेकिन आप सिर्फ टेक्ला वर्स मैनफ्रेड वाइफ भी लिख सकते हैं वाई डिट कर् हैंड कर्ट वॉज नॉट स्ट्रोंग ही वॉज ओल्ड डेट इज वाई हिज हैंड शूक वाई वॉज विलह मेकिंग अ वुडन बाउल ही वॉज मेकिंग द बाउल To Make his parents realize their mistake. R E A L I Z E. Realize. Now, these questions are more difficult. Discuss them first. How did Thekla and Manfred treat the old man? They treated him badly. They were always angry with him. Whose eyes filled with tears? Why? Eyes of Manfred and Thekla filled with. टीयर्स दे हैड रियलाइज दैट दे हैड ट्रीटेड द ओल्ड मैन बैडली अब आते हैं इस पे आंसर द क्वेश्चन अबाउट दीज लाइन्स फ्राम दिस स्टोरी इस सेंटेंस uh, के बारे में ये क्वेश्चन हैं इसको हमने आंसर करना है हु uh, ये पहले पढ़ते हैं दे लिव्ड इन हिज रूम बट ही वॉज नॉट देयर वेयर कुड डैट बॉय बी हु लुकड इन द रूम मैंफ्रिड एंड थैक्ला लुक्ड इन द रूम हु आस्क द क्वेश्चन थेक्ला आस्क द क्वेश्चन हु वर दे लुकिंग फॉर एंड वाई दे वर लुकिंग फॉर देअर सन विल हम बिकॉज द डिनर वॉज रेडी वेयर वॉज द मिसिंग पर्सन फाउंड ही वॉज इन दर्कशॉप ये भी एक क्वेश्चन है आपके चैलेंज होता है बच्चों को किसका आंसर दें डज द स्टोरी टीचर्स एनी लेसन वट आर दे तो इस स्टोरी में क्या लेसन आपको मिला है द स्टोरी टीचर्स डेट वी शुड बी काइंड एंड जेंटल टू आवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स वन दे गेट ओल्ड इफ़ वी आर नॉट नाइस टू देम लेटर ऑन आवर चिल्ड्रन विल नॉट बी नाइस टू अस अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं ये आपकी मैचिंग है मैच द फॉलोइंग ए और बी कॉलम को आपस में मैच करना है इन द इवनिंग्स दे सेट डाउन टू डिनर दे बॉट हिम अचीप वुडन बाउल दे ऑल लिव्ड इन अ लिटिल ओल्ड हाउस द सन आंड अ गुड लिविंग द ओल्ड मैन डिडंट कंप्लेन द लिटिल बॉय वॉज मेकिंग अ बाउल अब क्वेश्चन नंबर टू है ये एक्सरसाइज बी का फाइंड वर्क्स इन द स्टोरी फॉर द फॉलोइंग तो ये आपको कुछ क्ल्यूज दिए हुए हैं और ये बताना है ये क्या किन के बारे में है अ पर्सन हु मेक्स थिंग्स आउट ऑफ वुड तो ये कारपेंटर है इसका आंसर टू कट वुड आर स्टोन इन टू शेप्स कार्व द फादर ऑफ वंस मदर आर फादर ग्रेंड फादर रूम वेयर समन डज अ जॉब like carpentry workshop the wife of one's son daughter in law जिसको बहू भी कहते हैं उर्दू अब कहते हैं आपकी एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर वन अंडरलाइन द वर्ब्स इन इंदी फॉलोइंग जैसा कि आपको पता है वर्ब क्या होता है वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड एक्शन वर्ड तो नाइला सेट बिसाइड द रोड सेट आपका डूइंग वर्ड है शी रेड हर बुक एंड वेटेड फॉर द बस रेड एंड वेटेड डूइंग वर्ड्स अ बॉय केम पास ऑन हिज बाइसाइकल केम द व्हील ऑफ बाइसाइकिल स्टोन हिट द बाइक फेल ओवर फेल दे द बॉय वेंट फ्लाइंग थ्रू द एयर एंड लैंडेड इन फ्रंट ऑफ नाइला वेंट लैंडड कैच अ बर्स नेक्स्ट टाइम सेडनाइला कैच द बॉय स्माइल्ड एंड रब्ड हिज नीज स्माइल्ड रब्ड आर डूइंग चूज अ वर्ब फ्रॉम द बॉक्स टू कम्प्लीट द फॉलोइंग यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड यूज ईच वर्ब ओनली वंस ये आपके कुछ वर्ब्स दिए हुए हैं जो आपने इसके अंदर फिल करने हैं सेंटेंसेस में दे रेस्ट For an hour every afternoon. Jason and Mary playing with their friends in the garden now. Sarah drank a whole glass of milk before going to bed last night. She watches television every evening. I mean, caught a cold last week but is better now. do you have grandparents where do they live what did they do to earn their living do they still work think about your grandparents for a few minutes then tell the others in your class a few interesting things about them to ye bachche aapas mein अपने grandparents पेरेंट्स के बारे में डिस्कस करें और इन लाइंस इन क्वेश्चंस को जहन में रखते हुए उनका आंसर्स करें और एक शॉर्ट ऐसे या स्टोरी या पैराग्राफ लिख लें उनके बारे में अपनी कॉपीज पर भी मैं आपको कुछ लाइंस बता देती हूँ आई हैव स्वीट एंड लविंग ग्रैंड पेरेंट्स दे लिव विद अस माई ग्रैंड फादर वॉज अ गवर्नमेंट ऑफिसर नाउ ही इज़ रिटायर्ड ही गेट्स पेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट माई ग्रैंड मदर वॉज अ हाउस वाइफ शी कुक्स वेरी टेस्टी फूड वी आर गुड फ्रेंड्स दे टेल मी मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग दे गो फॉर अ वॉक दे लव टू रीड बुक्स दे हेल्प मी इन स्टडी आल्सो बोथ आर माई गुड फ्रेंड्स आई लव दैम वेरी मच तो बच्चों मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए थैंक यू अल्लाह हाफिज़